खट्टर सरकार और खुद मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी जिम्मेवारी से पीछे कब तक हटे। विजिलेंस विभाग की लीपा पोती पूर्ण कार्रवाई से साफ है कि पूरा मामला ठंडे बस्ते में डालकर इस जांच की भ्रूण हत्या कर दी गई है। कटघरे में आज के दिन कोई नागर नहीं खड़ा, कटघरे में केवल और केवल मुख्यमंत्री महोदय खड़े। एफआईआर में नामजद ना भलारा से जांच की, ना एचपीएससी चेयरमैन से करी, ना एचएसएससी चेयरमैन से की, ना मेंबर से की, ना स्टाफ से जाने। उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ये सारा कार्य हुआ है, वरना मुझे आप बता दीजिए कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता था। ना आज तक शिक्षा बोर्ड की जांच, ना किसी और, तो साफ है कि पर्दा गिर गया, जांच बंद हो गई और सब चंगा से। खट्टर सरकार, खट्टर जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कटघरे में है, और ये मैं कह सकती हूँ अपने साथियों के साथ कि कांग्रेस सरकार आएगी, हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे। आज जो हम मेन मुद्दा लेकर आए, जो ये घोटाले हुए, पीछे कांग्रेस पार्टी ने 7 तारीख को हमने घेराव किया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। बात कुछ ऐसी रही कि भर्तियां जब से ये होने लगी हैं तो हर भर्ती में, पेपर्स में हर तरह से घोटाला हुआ है, यानी कि हरियाणा के लोगों के साथ ना केवल नाइंसाफी हुई है बल्कि उनके साथ धोखे पर धोखा हुआ है। और सिर्फ ये कह देना कि उस दिन जैसा आपने देखा ऑर्डर्स हमारे सामने सार्वजनिक बाद में हुए, हमारे घेराव के बाद, लेकिन शायद उसमें ऑर्डर पिछले दिन का लिखा गया है, 6 तारीख का, सब्जेक्ट टू करेक्शन, आप लोग देख लेंगे। लेकिन सरकार प्रेशर में आई, कांग्रेस ने इस बात को उठाया, और जैसा मैंने कहा रणदीप जी ने बहुत डिटेल में ये बातें निकाली हैं। मुख्य रूप से बात क्या है, मुख्य मुद्दा यही है कि हर बार कभी कोई नागर हो जाता है, कभी कोई बलारा हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, नाम अलग अलग सामने आ जाते हैं। असली बात क्या है, मूल बात यही है कि खट्टर सरकार और खुद मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी जिम्मेवारी से पीछे कब तक हटेंगे। कटघरे में आज के दिन कोई नागर नहीं खड़ा है, कटघरे में केवल और केवल मुख्यमंत्री महोदय खड़े हैं। उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ये सारा कार्य हुआ है, वरना मुझे आप बता दीजिए कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता था। और यही नहीं, अनेकों जो फैसले लिए जाते हैं, क्या सरकार इस बात से बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं है कि नौकरियां निकाल दी जा रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उनमें लोगों को पास कर दिया जा रहा है, फिर क्राइटेरिया बदल दिए जाते हैं, ये कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इन चीजों के बारे में पता ना हो। टेस्ट हो जाता है, 40,000 लोगों के टेस्ट हो जाते हैं, कितनी शिफ्टों में होते हैं, क्या हो रहा है, वो सब पता है आपको, और उसके बाद पास करते हैं, और फिर पुलिस कांस्टेबल, मेल पुलिस कांस्टेबल, और फिर स्क्रीनिंग, फिजिकल जो टेस्ट होना है वो आपने आउटसोर्स कर दिया, प्राइवेट कंपनी कर देगी, उसकी वीडियोग्राफी भी नहीं होगी। क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, ये कौन सा फेयर प्ले है हमारे नौजवानों के साथ? आप देखते हो सुबह किसी, वैसे तो आप दिल्ली बेस्ड हैं, सॉरी चंडीगढ़ बेस्ड हैं ज्यादा लोग, लेकिन अगर आप गांवों में कहीं जाओगे, देहात में निकलोगे सुबह सुबह या शाम को, आप देखोगे कि कितने लड़के दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं। और ये तो मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी बात है कि बच्चे गलत आदतों से दूर होकर
ऐसे कार्य कर रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी फिजिकल फिटनेस से उनको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो क्या उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? क्या पता किसको नौकरी लगेगी, क्या वो फिजिकल फिटनेस के आधार पर लगेगी या कोई और क्राइटेरिया हो जाएंगे, क्योंकि वीडियोग्राफी तो होगी नहीं, प्राइवेट एजेंसी कुछ भी करेंगी, किसको मालूम पड़ेगा। साथियों, ये सब बातें हैं, खट्टर सरकार, खट्टर जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कटघरे में हैं, और ये मैं कह सकती हूँ अपने साथियों के साथ कि कांग्रेस सरकार आएगी, हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे, एक एक चीज की जांच होगी और तब निकलेगी इसकी असलियत, क्योंकि अभी लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं हो रहा। दलालों का साथ और हरियाणा के युवाओं के भविष्य का विनाश, अब ये नारा है खट्टर सरकार का, भाजपा जजपा सरकार का। और लीपा पोती कर नौकरी भर्ती नीलामी कांड की जवाबदेही से माननीय खट्टर साहब नहीं बच सकते। 17 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई, 29वां दिन आज है। आज 29 दिन बीत जाने के बाद एक बात साफ है कि नौकरी की दलाली खा रहे दुर्योधनों को धृतराष्ट्र बनकर खट्टर साहब बचा भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। यह हमारा सीधा इल्जाम है शैलजा जी का, यह सीधा इल्जाम है हम सबका। खट्टर सरकार अपराधियों की जांच की बजाय उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रही है। अटैची कान पर पर्दा डालने के लिए, दबाने के लिए, छिपाने के लिए, भटकाने के लिए हर संभव कोशिश खट्टर सरकार द्वारा की जा रही है। और हरियाणा के युवा जो कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनमें से तीन बातें हम लिखकर शैलजा जी और मैं और हम सब साथी लाए हैं, मैं वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा बात बताने से पहले। पहले नौकरियों में चोरी, अब खुलेआम सीना चोरी, ये हरियाणा का युवा कह रहा है सोशल मीडिया पर। एक और साथी ने लिखा, चोरों ने चोरों से कहा सब चंगा सी, ये हरियाणा का नौजवान इस सरकार के बारे में कह रहा है। तीसरा उन्होंने कहा, कर रही लीपापोती खट्टर सरकार की नियत खोटी, ये हरियाणा के युवा कह रहे हैं। कमाल की बात यह है, और जिसके लिए आज हम सब शैलजा जी मैं और हमारे सब साथी हम आपके बीच में आए हैं, इस सारे घोटाले के बावजूद कल 14 तारीख को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10 जो नए पद हैं, 10 जो पद हैं उनकी भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑर्डर जारी कर दिए। हम आपको वो रिलीज कर रहे हैं। ये सारी परीक्षाएं 14 सितंबर को हुई थी। 12 सितंबर को एससीएस प्रिलिमिनरी की परीक्षा हुई जो घोटाले में पकड़ी गई, और उसके दो दिन बाद अनिल नागर की देखरेख में गोपनीयता के सारे रिकॉर्ड पेपर उसी के पास थे, इन 10 पदों की परीक्षाएं भी हुई। तो 12 को एचसीएस, 14 को ये सब हुई, पर कोई कोई जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कल ये ऑर्डर जारी कर दिया एचपीएससी ने, खट्टर सरकार ने, कि अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ताकि नौकरियां लगाई जा सके। इन सबके कर्ता धर्ता अनिल नागर है, इन सारी नौकरियों के भी। तो एक बात साफ है, खट्टर सरकार में दोषी ही जज बन बैठे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।